नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घर में लगे पपीता के पेड़ उखाड़ने को लेकर दो भाइयों के बीच हुई मारपीट, बड़े भाई की हुई मौत, जांच में जुटे पुलिस। भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने एसडीओ कार्यालय का किया निरीक्षण, कमियां देख अधिकारी को लगाई फटकार। बांका में चोरों ने एक साथ तीन दुकानों पर किया हाथ साफ, लाखों का सामान लेकर हुआ फरार। जमीन मुहैया कराने की मांग को लेकर विस्थापितों ने दिया धरना, कहा नहीं मिलेगी जमीन तो करेंगे आंदोलन। और कटिहार के स्कूली छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। अब खबरें विस्तार से। नवगछिया में आए दिन हो रही हत्या की घटना से लोग काफी परेशान हैं। मंगलवार की सुबह दो भाइयों के बीच हुए विवाद में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मिल्की गौशाला निवासी गोविंद जायसवाल के 35 वर्ष से पुत्र ध्रुव कुमार जायसवाल के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर मृतक के भाई प्रहलाद जायसवाल ने बताया कि ध्रुव चार भाइयों में दूसरे नंबर पर था और मंगलवार की सुबह तैयार होकर वह मजदूरी पर जाने के लिए घर से निकल रहा था, तभी छोटे भाई राकेश से घर में लगे पपीता के पेड़ उखाड़ने को लेकर विवाद हो गया और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। साथ ही कहा कि मारपीट के दौरान राकेश ने किसी नुकीली चीज से अपने भाई ध्रुव पर हमला कर दिया, जिससे ध्रुव की मौत हो गई, जबकि इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही नवगछिया पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई राकेश फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी राकेश और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बच्चा बच्ची हो रहा है अपना तैयार होता अपने चला जाएगा, क्या बोलने मतलब इसने में जो कि जो छोटा भाई जो है उधर से निकला तो गलम गाड़ी हो ये रहा था। कौन? राकेश कुमार उधर से निकला तो अब हम तो देखे नहीं कि उसको वो पकड़ा कि किसको कौन पकड़ा, लेकिन उसके ऊपर गिर गया कि कैसे, अब उसको क्या चीज़ का चोट लग गया, ईंट का चोट लग गया कि कैसे लग गया मेरा भाई। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन मंगलवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां डीएम ने एसडीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय के कागजातों की बारीकी से जांच की, जबकि अनुमंडल कोर्ट में चल रहे मामलों की भी जानकारी डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार से ली। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कई बिंदुओं पर अनुमंडल पदाधिकारी को दिशा निर्देश देते हुए कर्मियों पर जमकर क्लास भी लगाई। निरीक्षण के दौरान एएसडीओ अन्नू कुमारी, जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर समेत कई पदाधिकारी और कर्मी भी मौजूद थे। बांका के धौरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत सठियारी चौक स्थित हाजी महमूद कॉम्प्लेक्स में सोमवार की देर रात अज्ञात चोरों ने तीन दुकान का गैस कटर से शटर काट कर लाखों रुपये मूल्य का सामान और नकद रुपये की चोरी कर ली। वहीं घटना की जानकारी कॉम्प्लेक्स मालिक सह कोहिनूर हार्डवेयर दुकान के संचालक को मंगलवार की सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों ने दी। बताया जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में करीब डेढ़ दर्जन दुकान है और दिन भर दुकानदारी के बाद देर शाम अपनी दुकान बंद कर दुकानदार अपने घर चले गए थे। हालांकि कुछ दुकानदार कॉम्प्लेक्स में ही रहते थे, लेकिन बीती रात कॉम्प्लेक्स में कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने तीन दुकान पर हाथ साफ कर लिया। वहीं कॉम्प्लेक्स मालिक तनवीर ने बताया कि उसकी कोहिनूर हार्डवेयर की दुकान से 25,000 नगद रुपये के साथ हसनपुर गांव निवासी मिन्हास के टेंट और डीजे की दुकान से सारा सामान गायब है, जबकि रंगाऊ निवासी सरफराज के एयरटेल पेमेंट बैंक की दुकान से भी कंप्यूटर, मोबाइल और मोबाइल एसेसरीज चोरी कर ली गई है। इधर घटना के बाद सभी दुकानदार ने धौरैया थाने में आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। भागलपुर समाहरणालय परिसर में झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति की ओर से एक दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति की लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा 2007 में 584 परिवारों को विस्थापित माना गया था, जिसमें से 287 परिवारों को जगदीशपुर अंचल में जमीन देने की बात भी कही गई थी। धरना दे रहे लोगों ने कहा कि आज तक उन्हें जमीन नहीं मिली है,
जिसको लेकर उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। वहीं भीकनपुर गुमटी नंबर 1 के समीप झुग्गी बस्ती में रह रहे विस्थापितों को रेलवे की ओर से जमीन खाली करने की नोटिस देने की बात करते हुए झुग्गी वासियों ने कहा कि आखिर जमीन खाली कर वो सभी कहां जाएंगे, जबकि रेलवे लगातार अपनी जमीन खाली कराने का प्रयास कर रही है। इस दौरान सभी विस्थापितों ने जिला प्रशासन और रेलवे द्वारा जमीन खाली कराने का विरोध किया। इसके अलावा लोगों का कहना है कि जब तक सरकार के द्वारा जमीन मुहैया नहीं कराई जाती है, तब तक इन बेघर विस्थापितों को नहीं हटाया जाए। मौके पर काफी संख्या में झुग्गी बस्तियों से आई महिलाएं, बच्चे और अन्य लोग मौजूद थे। आज हम लोग पुनर्वास को लेकर धरना पे हैं। हम लोगों का पुनर्वास की मांग वर्षों से लंबित है और इधर जो है हम लोग को कमिश्नर साहब बोले कि आप लोग का जो है राजस्व विभाग पटना से एडीएम साहब बसाने के लिए अनुमति लेके आ गए हैं। आप लोग एडीएम साहब से मिलिए, आप लोग को बसा दिया गया। हम लोग एडीएम साहब से मिले, एडीएम साहब ने कहा कि आप लोग का जहाँ ज़मीन है जगदीशपुर के नीमा मोजा के अंचल में, वहाँ ज़मीन का स्थिति अभी है कि वहाँ फसल लगा तो 6 महीने के बाद आइए। तो हम लोग 6 महीने के बाद गए तो उन्होंने कहा, फिर दिखाया टीवी को और कहा कि देखिए आप लोग का जहाँ ज़मीन है वहाँ मकान बना हुआ है। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि जो 6 महीना पहले फसल लगा हुआ था और आज 6 महीना बाद बोलता है कि हम मकान बन गया है। बिहार की कटिहार की स्कूली छात्रा माहिनूर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के विरोध में धोरैया प्रखंड के लोगों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान आम लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी दिवंगत छात्रा को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। वहीं शहीदगाह कुर्मा से धोरैया प्रखंड कार्यालय तक निकाले गए कैंडल मार्च में लोगों ने माहिनूर को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार और प्रशासन से उसके साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। जबकि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वी वांट जस्टिस और माहिनूर के दोषियों को फांसी दो का नारा लगाया। मौके पर जिला परिषद सदस्य रफीक आलम, गिरीश पासवान, मुखिया मोहम्मद जहांगीर, ऋषभ मोदी सहित काफी संख्या में युवा और जनप्रतिनिधि के साथ विभिन्न प्रखंडों और झारखंड से आए ग्रामीण मौजूद थे। हम लोग एक बेटी के ऊपर जो जुल्म हुआ है उस जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज ये हम लोग जो उतरे हैं कटिहार जिला का ये मामला है, बहन माहिनूर के साथ जो बर्बरतापूर्ण ज्यादती हुआ और उसका हत्या कर दिया गया, उसी के खिलाफ हम लोग ये कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो बलात्कारी है वो किसी और जात और धर्म का नहीं होता है, जो बलात्कारी है वो बलात्कारी और उससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। और सरकार से मांग करते हैं उस दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ के और उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचाए। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से व्यापारियों की सुविधा को लेकर भागलपुर आनंद चिकित्सालय रोड स्थित चैम्बर कार्यालय में मापतौल लाइसेंस बनवाने एवं इसके नवीनीकरण के लिए मंगलवार को शिविर का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय शिविर को लेकर भागलपुर सदर के मापतौल कार्यालय निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आग्रह पर मुख्य बाजार में व्यापारियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले भर के व्यापारियों को लाइसेंस बनाने के साथ
पूर्व के लाइसेंस का नवीनीकरण भी किया जा रहा है। वहीं शिविर में मापतौल इंस्पेक्टर दीपक कुमार दीप ने भी कई अहम जानकारी व्यापारियों को दी। इधर शिविर में चैम्बर अध्यक्ष श्रवण कुमार बाजोरिया ने बताया कि चैम्बर की ओर से नवगछिया में अंचल और मापतौल शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बुधवार एवं गुरुवार को भी दिन के 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर लगेगा, जिसके माध्यम से व्यवसायी अपना मापतौल लाइसेंस बनवा सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शिविर में व्यापारियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और खरीदे गए कांटे की GST रसीद समेत सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाना होगा। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव पुनीत चौधरी, उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, शरद सलारपुरिया, डॉक्टर पंकज टंडन, राम गोपाल पोद्दार समेत चैम्बर के कई अधिकारी और सदस्य के अलावा मापतौल विभाग के कर्मी मौजूद रहे। जल ही जीवन है और दिनों दिन भूमिगत जल स्तर घटता जा रहा है, जिस कारण कई क्षेत्रों में पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों के बीच पानी की इतनी किल्लत हो गई है कि लोग दूर दूर से पानी लाने को विवश हैं। भागलपुर के अलीगंज बाग 43 में सैकड़ों घर पानी की भीषण समस्या झेल रहे थे, जिसको लेकर वहां के लोग कई वर्षों से अपने जनप्रतिनिधियों से बोरिंग की मांग कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। जब लोगों ने इसकी सूचना युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव को दी तो उन्होंने लोगों की जरूरत को देखते हुए अपने निजी कोष से बोरिंग का काम शुरू करवाया। बोरिंग का काम पूर्ण होते ही सोमवार को युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा बोरिंग का विधिवत शुभारंभ किया गया। आसपास की महिलाओं ने बताया कि पानी की इतनी दिक्कत थी कि इस भीषण गर्मी में परिवार के लोग रोज स्नान भी नहीं कर पा रहे थे। काफी दूर से पानी ढोकर लाने के कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि बोरिंग हो जाने से बाग 43 के सैकड़ों घरों को पानी की समस्या से निजात मिलेगा और खासकर स्थानीय महिलाओं को अब काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि घर घर तक पाइप बिछाकर पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। स्थानीय लोगों ने हर्ष जताते हुए विजय कुमार यादव का आभार व्यक्त किया और हर पल उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का भरोसा दिलाया। मौके पर वार्ड 43 के पार्षद प्रतिनिधि सोनू, टुन्ना चौधरी, लाले तांते, विजय चौधरी, संजय शर्मा, उमेश तांते समेत कई लोग मौजूद थे। यहाँ पे तो बहुत दिक्कत थी पानी की, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया था और आने के बाद यहाँ पे देखिए ज्यादातर माताएं बहनें को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। काफी दूर से पानी लाना पड़ता था, देखते हुए यहाँ पे पहले से एक सरकारी प्याऊ था लेकिन वो बहुत दिनों से फेल हो चुका था। बहुत मतलब इन लोगों ने प्रयास किया था लेकिन ये प्याऊ ठीक नहीं हो रहा, तो फिर मैंने यहाँ पे एक नया प्याऊ दिया है और यहाँ पे बहुत लोग खुश हैं और काफी उत्साहित है प्याऊ को लेकर। इतना जल्दी का 8 दिन नहला नहीं छे, बिना नहलो रहे रहिए, जब बोलबे कर लिया था घर भी देख लिया कहाँ पर घर छे, सब चीज आब सुविधा हो बढ़िया छे। बजरंग बली सुना रही है, हटिया पर सुना रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत 8 दिन नहीं लेला छे, एक दिन क्या पूछा आदमी, एक दिन अब लेबे रोजे, अब रोजे पूजा करबे और बहुत बढ़िया हो गए। इस समाज के लिए जे भी छे बहुत पानी दिक्कत छे, बढ़िया हो गए करके विजय बाबू यादव और सोनू यादव पार्षद। दिक्कत पहले बहुत सा दिक्कत छे, अभी भी माय बहन हमरो नाव पर खड़ी होली छे, इन्हें पानी दिक्कत छे, अब सहूलियत हो गई। भागलपुर सुल्तानगंज के कस्माबाद गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में रेफर अस्पताल की ओर से बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद दास ने 65 से अधिक बच्चों की जांच की, जिसमें एक बच्चे के दिल में छेद की शिकायत मिलने पर इस बात की पुष्टि के लिए तत्काल भागलपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। साथ ही 2 विकलांग बच्चे को भी जाँच के लिए भागलपुर सदर अस्पताल लाया गया। वहीं मुख्य प्रतिनिधि प्रभाकर कुमार एवं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद दास ने भी आंगनबाड़ी केंद्र में 65 बच्चों की जांच की। वहीं शिविर में रितेश कुमार को दिल में छेद होने और दूसरे बच्चे अंशु कुमार एवं उसके भाई को कम सुनाई देने को लेकर जांच के लिए अंशु को कंफर्मेशन के लिए भागलपुर सदर अस्पताल भेजा गया। इसके अलावा रेफर अस्पताल में सुविधाओं की कमी को लेकर समाजसेवी बबुल मंडल और नीतीश कुमार ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में अगर जरूरी सुविधा मौजूद हो तो समय रहते इलाज मुहैया कराकर बच्चों की जान बचाई जा सकती है। मौके पर स्वास्थ्य कर्मी ANM ललिता कुमारी, आंगनबाड़ी सेविका लूसी कुमारी, सहायिका नीतू कुमारी, आशा ललिता कुमारी समेत काफी संख्या में ग्रामीण और बच्चे मौजूद थे। प्रसाद दास रेफर हॉस्पिटल सुल्तानगंज से RBS के टीम के तहत
हमारी संख्या 173 पे बच्चे का स्वास्थ्य जांच के लिए आया हूँ। कितने बच्चे का आज जांच हुआ है? आज लगभग 65 बच्चे का जांच हुआ है और अभी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, उनका भी जांच किया जाएगा। अच्छा सर, जो एक दिल में छेद आया था जो बच्चे का, ये नीतीश कुमार नाम का बच्चा है जी जी, और उनको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है जो दिल में छेद बोल रहे हैं, उनको मैंने सदर अस्पताल रेफर किया है। वहाँ से फिर कन्फर्म केस होने के बाद आगे उनका ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद भेजा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र कस्माबाद में जांच शिविर का आयोजन किया गया था और उसी में पहले से तो पता था, लेकिन यहाँ करना अथी किया गया है, जांच किया गया उसका, नहीं इस बच्चे के दिल में छेद है, इसको भागलपुर सदर हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। कौन बच्चे को? नीतीश कुमार है। भागलपुर सुल्तानगंज के भदरिया पावर हाउस प्रांगण में बिजली की समस्या को लेकर नया गांव करहरिया, कुमैठा, खानपुर, कटहरा और धांधी बेलारी पंचायत के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उपभोक्ता संघर्ष समिति दक्षिणी क्षेत्र के बैनर तले किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान नया गांव पंचायत के मुख्य सह उपभोक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि पंचायत में बिजली कट की समस्या के कारण दक्षिणी क्षेत्र के ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों पर सूचना मिलने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप दक्षिणी क्षेत्र संघर्ष समिति की ओर से लगाया गया। इधर घंटों धरना प्रदर्शन की खबर मिलने पर बिजली विभाग के एसडीओ मनीष कुमार साहू ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी और एक सप्ताह में बिजली कट की समस्याओं को दूर करने का भरोसा ग्रामीणों को दिया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। वहीं उपभोक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ बिजली विभाग के एसडीओ मनीष कुमार साहू को लिखित ज्ञापन देकर इलाके में बिजली की समस्याओं को अविलंब दूर करने की बात कही। मौके पर राहुल कुमार, राजा राम सिंह, सोनू कुमार, महानंद मिश्रा सहित समिति के कई सदस्य और ग्रामीण मौजूद थे। तो दीनदयालपुर फीडर में आए दिन काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हल्की सी बारिश, हल्की सी हवा के कारण 24 से 48 घंटा बिजली नहीं मिल पाता है। इसी सब के लिए हम लोग एक विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति सुल्तानगंज दक्षिण करके एक बैनर बनाए हैं और उसी के तहत हम लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आए। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। घर में लगे पपीता के पेड़ उखाड़ने को लेकर दो भाइयों के बीच हुई मारपीट, बड़े भाई की हुई मौत, जांच में जुटे पुलिस। भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने एसडीओ कार्यालय का किया निरीक्षण, कमियां देख अधिकारी को लगाई फटकार। बांका में चोरों ने एक साथ 3 दुकानों पर किया हाथ साफ, लाखों का सामान लेकर हुआ फरार। जमीन मुहैया कराने की मांग को लेकर विस्थापितों ने दिया धरना, कहा नहीं मिलेगी जमीन तो करेंगे आंदोलन। और कटिहार के स्कूली छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।